नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश कुरैनी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का कर्क रोग। तो आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक जो है वो समझ लेते हैं कि ब्रेस्ट के जो अलग अलग पार्ट रहते हैं उसके क्या कहा जाता है, उससे क्या नाम रहते हैं, ताकि आगे का जो टॉपिक है वो हमें अच्छे से समझ पाएगा। तो आपके सामने एक इमेज जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रही है जो कि ब्रेस्ट की एक इमेज है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें एक निपल रहता है। उसके बाजू का जो सराउंडिंग एरिया रहता है उसे एरियोला कहा जाता है। निपल जो ब्रेस्ट के अंदर जो रहता है वो रहता है लोब्यूल्स, डक्ट और कनेक्टिव टिश्यू। तो लोब्यूल्स ऐसा एक जो पार्ट रहता है ब्रेस्ट का जहां पे दूध का जो निर्माण होता है, और जो लोब्यूल्स से लेके जो निपल्स तक जो दूध आता है इसे कहा जाता है कि डक्ट, जो कि लोब्यूल से जो दूध है वो निपल तक लेके आने का काम करता है। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये फाइबरस टिश्यूज रहते हैं और फैटी टिश्यूज रहते हैं जो कि ब्रेस्ट के पूरे सराउंडिंग में, पूरे पार्ट जो रहते हैं अंदर उनके सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो सबसे ज्यादा लोब्यूल्स और डक्ट्स का ही होता है, ये परसेंटेज उसमें ज्यादा माना जाता है। तो अगर जो ब्रेस्ट में जो कैंसर होता है वो अगर लोब्यूल्स में से या डक्ट में से बाहर की तरफ फैलता है, बाकी के पोर्शन में ब्रेस्ट में फैलता है या ब्रेस्ट के बाहर की तरफ फैलना शुरू होता है, तो इस प्रोसीजर मेटास्टेसाइस। अब जो डिफरेंट टाइप्स जो रहते हैं ब्रेस्ट के कैंसर के वो देख लेते हैं कि एक है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, मतलब जो कैंसर डक्ट पे होता है, डक्ट पोर्शन में होता है उसे कहा जाता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ये धीरे धीरे डक्ट के पोर्शन में होता है, उसके बाद बाहर की तरफ फैलना शुरू होता है और ब्रेस्ट के बाहर भी ये होना शुरू होता है। दूसरा है इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, मतलब लोब्यूल पोर्शन में जो कैंसर होता है और धीरे धीरे वो वहां से भी बाहर फैलना शुरू होता है और मेटास्टेसाइज होके ब्रेस्ट के बाहर के पोर्शन में भी, दूसरे बॉडी पार्ट्स को में भी कैंसर फैलना शुरू होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में आने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि जो एक टर्मिनोलॉजी कही जाती है कि नॉर्मल ब्रेस्ट साइज या टिपिकल ब्रेस्ट साइज या आइडेंटिकल ब्रेस्ट साइज, तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती है, ऐसी कोई भी टर्म जो है वो नहीं होती है कि कोई आइडेंटिकल या नॉर्मल या फिर टिपिकल ब्रेस्ट साइज होती है, क्योंकि ब्रेस्ट साइज जो रहती है वुमन टू वुमन चेंज होती रहती है, उनके फैट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, प्यूबर्टी या फिर मेंस्ट्रुएशन या बच्चे पैदा होने के वक्त, या फिर अलग अलग जो कंडीशंस बॉडी में जो चेंजेस होते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, वजन बढ़ना या कम होना, उसमें भी ब्रेस्ट साइज जो है चेंज होती रहती है। तो ऐसा कोई टर्म नहीं है कि टिपिकल, आइडेंटिकल या फिर नॉर्मल ब्रेस्ट साइज कोई रहती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लम्स, LUMPS। तो सिंपल भाषा में इसे कहा जाता है कि गांठ पड़ना या फिर गांठ आ जाना। तो ये जो गांठ पड़ती है ये फाइब्रोसिस्ट भी होती है या फिर सिस्ट भी रहती है, ये जरूरी नहीं है कि ये कैंसर की वजह से ही गांठ होगी। तो अलग अलग तरीके रहते हैं जिसकी वजह से ये गांठ जो है ब्रेस्ट के अंदर आना होती है। तो फाइब्रोसिस्ट की वजह से भी होती है जो कि नॉन कैंसरस गांठ जैसा माना जाता है, और एक सिस्ट रहता है, मतलब एक गांठ जैसी बन जाती है, उसमें थोड़ा सा फ्लूइड पानी जैसा जमा हो जाता है, वो एक गांठ के रूप में जमा हो जाता है, इसलिए इसको सिस्ट कहा जाता है। तो अभी सिम्टम्स पे आते हैं। सिम्टम्स जो भी मैं बताने वाला हूं अभी आपको, ये जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से ही कैंसर होगा, ये सिर्फ जानने के लिए रहता है कि ये जो अगर सिम्टम्स हैं तो ये इससे कैंसर है या नहीं है, ये समझने की कोशिश जो है वो डॉक्टर करते हैं। ये 100% डिसाइड नहीं करेगा कि ये सिम्टम्स की वजह से कैंसर ही रहेगा। तो पहले देख लेते हैं कि जो निपल पोर्शन पे देखते हैं कि जो एक सूजन आ जाती है, एरियोला पोर्शन पे सूजन आ जाती है, ब्रेस्ट जो कभी कभी जो रहता है वो सूज जाता है, कभी कभी उसका हिस्सा जो रहता है वहां पे सूजन आ जाती है, रेडनेस होती है, दोनों ब्रेस्ट की स्किन जब आपस में टकराती है तो एक अजीब तरीके का इरिटेशन होता है, रेडनेस फील होती है। निपल्स में से कभी कभी देखते हैं कि दूध के साथ जो है खून निकलना शुरू होता है, या कभी कभी कोई फ्लूइड वगैरह जो है वो भी निकलना शुरू होता है, जो कि ये आइडेंटिकल रहता है बताने के लिए कि ये ब्रेस्ट में कैंसर में, मतलब ब्रेस्ट में किसी तरह की कोई तकलीफ है या नहीं है। डायग्नोसिस पार्ट पे, तो डायग्नोसिस पार्ट से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि एक मशीन रहती है जिसे कहा जाता है मेमोग्राम। मेमोग्राम क्या होता है, एक प्रकार का जो सोनोग्राफ जैसा ही रहता है, जिसमें जो है एक प्रकार का इमेजिंग जो है वो निकाली जाती है, या आप सिंपल भाषा में इसे एक्सरे भी जो है वो कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक टेक्निकल पर्सन जो रहता है, जो कि डॉक्टर के अंडर में रहता है, एक मशीन में आपको के सामने लेके जाता है, जो इमेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उसमें क्या होता है कि जो आप वुमन्स का एक ब्रेस्ट जो है वो एक मशीन पे, एक प्लेट पे जो है वो रखा जाता है, ऊपर से दूसरा एक जो प्लेट रहता है वो ब्रेस्ट को प्रेस करता है। ये तब तक प्रेस करता है जब तक जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा सा फ्लैट ना हो जाए। ये क्यों होता है, ताकि जो एक्सरे की इमेज है वो प्रॉपर तरीके से
वो मशीन के अंदर कैप्चर हो जाए और एक साथ तीन चार इमेजेस निकाली जाती हैं ताकि बार बार आपको इस प्रकार की तकलीफ ना हो सके। उसके बाद देख लेते हैं कि अगर किसी पोर्शन में ज्यादा तकलीफ दिखती है या फिर साइड पोज भी जो है कभी कभी लिया जाता है ताकि हर ब्रेस्ट का जो पूरा पोर्शन है वो प्रॉपर तरीके से एक्सरे में आ जाए। तो इसमें थोड़ा सा दर्द होता है, तकलीफ होती है और ये प्रोसीजर दोनों ब्रेस्ट में फॉलो की जाती है, मतलब पहले एक ब्रेस्ट में होती है फिर बाद में दूसरे ब्रेस्ट में सेम प्रोसीजर फॉलो की जाती है। उसके बाद देखते हैं कि जो डायग्नोसिस है, मतलब डायग्नोसिस जो किया जाता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक तो रहता है ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, मतलब इसमें जो सोनोग्राफी जैसी रहती है साउंड वेव्स के थ्रू एक इमेज जो है वो कंप्यूटर में आ जाती है ब्रेस्ट के अंदर के पोर्शन की, जिससे आइडेंटिकल किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ब्रेस्ट में किसी तरीके की कोई तकलीफ है या नहीं है। उसके बाद है ब्रेस्ट MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसमें भी एक स्कैनिंग होती है जिसमें मैग्नेट जो रहता है वो कंप्यूटर से लिंक रहता है और उसके द्वारा एक स्कैनिंग एक इमेज जो है वो ब्रेस्ट के अंदर के पोर्शन की आ जाती है। उसके बाद है डायग्नोस्टिक मेमोग्राम, मतलब कि जो मेमोग्राम के बारे में मैंने बताया आपको उसका एक एडवांस वर्जन रहता है, मतलब अगर मेमोग्राम में किसी तरीके की कोई तकलीफ जो है वो देखने को मिलती है किसी पोर्शन में तो उसे एडवांस मेमोग्राम के लिए भेजा जाता है जिसको डायग्नोस्टिक मेमोग्राम कहा जाता है, जिसमें पर्टिकुलर जिस पोर्शन पे अगर तकलीफ है उसका डिटेल्ड एक्सरे किया जाता है ताकि उसकी तकलीफ या उसके अंदर जो प्रॉब्लम है कुछ सेल्स की वो उसको प्रॉपर तरीके से देख सके। उसके बाद आता है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि एक प्रकार का फ्लूइड या टिश्यू, एक प्रकार की टेस्ट है जिसमें आपका जो एक टिश्यू या फिर एक फ्लूइड जो है वो निकाला जाता है इधर सर्जरी या फिर कुछ नीडल्स के हेल्प से, फिर बाद में वो स्लाइड के थ्रू एक माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि भाई इसमें किसी तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं है, तो इस तरीके की डायग्नोसिस होती है। उसके बाद आते हैं स्टैगिंग प्रोसेस पे। स्टैगिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी औरत में पता चल जाता है कि भाई इसमें कैंसर है, ये पुष्टि हो जाती है, तो उसके बाद की जो ब्लड टेस्टिंग होती है या जो भी टेस्टिंग होती है या फिर जो भी एनालिसिस होता है उसके बाद का, ये इसलिए होता है कि ये जानने के लिए कि कैंसर की जो स्टेज है ये कौन सी है या उस कैंसर की वजह से जो टिश्यू हुआ है वो किस हद तक खराब हुआ है, ताकि जो डॉक्टर जो है प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट है वो उस हिसाब से कर सके। इस प्रोसीजर को कहा जाता है स्टैगिंग। आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे, तो ट्रीटमेंट ये टोटली डॉक्टर के हाथ में रहता है। कौन से डॉक्टर जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं, पहली बात तो जो लोग डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करते हैं उन्हें सर्जन कहा जाता है, और जो डॉक्टर इसमें मेडिकल के थ्रू या फिर दूसरे जो ट्रीटमेंट के थ्रू आपको ट्रीट करते हैं इस कैंसर को उसे कहा जाता है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। उसमें के बाद जो डॉक्टर स्पेशलाइज रहते हैं कि रेडिएशन के थ्रू किसी ट्रीटमेंट को, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट को जो कंडीशन को ट्रीट करना, उसे कहा जाता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं, जब आप ऑन्कोलॉजिस्ट से मीट करते हैं मिलते हैं इस बारे में तो वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ट्रीटमेंट पूरा डॉक्टर के हाथ में रहता है, लेकिन अब कुछ चीजें जो है मैं आपको बता देता हूँ कि किस क्या क्या जो है वो कैटेगरी रहती है ट्रीटमेंट की। एक तो है सर्जरी, मतलब कोई पोर्शन अगर खराब हो चुका है ब्रेस्ट पोर्शन का तो उसे काट के निकाल दिया जाता है। दूसरा है कीमोथेरेपी, मतलब किसी तरीके की जो मेडिसिन हैं जो कि कैंसर सेल को मार देती हैं तो वो ओरली भी दी जाती है या फिर वेन्स के थ्रू आपकी नसों में उसको इंजेक्ट किया जाता है, या फिर ये दोनों ही चीजें एक साथ किसी व्यक्ति को दी जाती है उसकी तकलीफ के हिसाब से। दूसरा है हार्मोनल थेरेपी, मतलब जो कैंसर सेल्स हैं ये सर्वाइव करने के लिए हार्मोन्स जो हैं वो हमारे बॉडी में से लेती हैं कुछ हार्मोन्स ताकि वो सर्वाइव कर सकें कैंसर सेल, तो ये मेडिसिन के द्वारा जो हार्मोन्स हैं उन्हें ब्लॉक किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल की तरफ ना पहुंच सके। उसके बाद आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में कुछ रेडिएशन जो है जो वेव्स हैं वो दी जाती है उस पार्ट पे जिससे वो जो कैंसर सेल है वो मर सके। उसके बाद रहता है बायोलॉजिकल थेरेपी, मतलब आपके जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिकार शक्ति है, उसे बढ़ाने के लिए कुछ थेरेपी दी जाती है ताकि वो कैंसर सेल से लड़ाई कर सके, उनके साथ फाइट कर सके। कि रिस्क फैक्टर कौन से हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के काफी चांसेस रहते हैं, तो एक तो है एज, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे चांसेस बढ़ते हैं, तो देखा जाता है कि 50 साल के ऊपर एक एवरेज निकाला गया कि उन औरतों में ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं, जैसे कि किसी लेडीज में, बच्चे में अगर 12 साल के पहले ही मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया है और मीनोपॉज भी काफी जल्दी पहले जो है वो बंद हो गया है, तो इसकी वजह से भी जो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि किसी की पर्सनल हिस्ट्री रही है, मतलब पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है या किसी प्रकार का कैंसर हो चुका है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं।
फैमिली हिस्ट्री मतलब आपके पिता के जनरेशन के जो पूरे फैमिली हैं या फिर माता के साइड के जो पूरी फैमिली है उनमें अगर किसी को हुआ है तो ये जो है ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। जेनेटिकल भी हो सकते हैं, BRAC1 और BRAC2 जीन्स जो रहते हैं उसकी वजह से भी ये ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी रेडिएशन में अगर कोई ज्यादा आता है धूप में काफी रेडिएशन में उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने के काफी चांसेस। ब्रेस्ट अगर रहता है किसी व्यक्ति किसी लेडी का तो डेंस ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज ज्यादा रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज का परसेंटेज ज्यादा रहता है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक यही तक था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।